नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन काल में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें। तुला राशि वालों, क्यों परेशान हो बेटा? किस्मत अब आपकी पलट चुकी है। रातों रात जिंदगी में हड़कंप मचेगा। जी हाँ दोस्तों, रातों रात आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, आज की यह वीडियो जो भी नज़रअंदाज करेगा दोस्तों, वो जिंदगी भर पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुला राशि वालों, आज की यह वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तुला राशि वालों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन जीने की एक नई उम्मीद जाग उठेगी। जी हाँ तुला राशि वालों, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो में बताई गई सभी बातें 100% आपके जीवन में बैठने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके मन में बहुत दिनों से एक सवाल उठता होगा कि आप सोचते भी होंगे कि बाकी और भी राशियों को छोड़कर केवल हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है प्रभु? हमारे जीवन काल में इतने दुख दर्द क्यों मिलता है? क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उन लोगों के लिए एक रहस्यमय बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस बाग में माली नहीं होती है, वे बाग बहुत ही जल्द उजड़ जाते हैं। अगर आपके जीवन में हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हैं, बहुत मुश्किल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए उस ऊपर वाले परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। क्योंकि तुला राशि वालों, वे आपको हर एक मोड़ पर चेतावनी दे रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि यह रास्ता आपके लिए सही नहीं है। आगे चलकर आपको कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, इसलिए तुला राशि वालों पहले से ही वो आपको सचेत कर देते हैं। देखिए तुला राशि वालों, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है, लेकिन जो हमेशा तक मिलता है, याद रखना, वो आसानी से नहीं मिलता है। तुला राशि वालों, यहाँ पर अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आपके आस पड़ोस में बिना मेहनत किए ही, बिना परिश्रम किए ही कैसे उन्हें सब कुछ मिल गया। देखिए दोस्तों, शॉर्ट रास्ते में चलना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे चलकर ऐसी खाई में गिर जाते हैं जहाँ से उठना संभव नहीं होता है। अगर वह कुछ समय के लिए आगे बढ़ भी गए हैं, उनके पास सब कुछ हो भी गया है, तो वह कुछ समय के लिए है। एक दिन भूरे रंग की तरह आएगा और शुद्ध समेत लेकर चला जाएगा। उस दिन उन्हें सब कुछ एहसास हो जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली है। वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तुला राशि वालों, आपको कुछ मूल मंत्र भी बताएंगे, मूल सूत्र भी बताएंगे, जो कि आपको अपने जीवन में कैसे कामयाब होनी है और किस तरह से सफलता प्राप्त करनी है। परंतु उससे पहले माँ लक्ष्मी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वे अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए श्रद्धापूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। आइए दोस्तों बात करते हैं। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर सकारात्मक बना हुआ है और दोनों ही अभी आपके पक्ष में है। आपको बताना चाहेंगे कि तुला राशि वालों नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने आत्मविश्वास में कमी न होने दें, जल्द ही सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, जो जातक कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें अभी बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। लेकिन दोस्तों, अपनी पर्सनल बातों को, अपनी जो सीक्रेट बातें हैं, एक दूसरे से शेयर करने से बचिएगा। के उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, विदेश यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। धन प्राप्ति और पारिवारिक सौदों के मामले में दिन काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, लेकिन निजी जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती है। कार्य संबंधित कोई भी अच्छा समाचार मिलने से आसार बने हुए हैं, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जो काम
कुछ दिनों से करना चाह रहे थे और वह करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके उपरांत अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको प्राप्त होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आप अपना आपा मत खोइएगा और आप जो सोच विचार रख रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। इसके द्वारा आपको बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार बने हैं जिससे धन लाभ हो सकता है। अपनी मेहनत में कोई भी कमी, इस समय कोई भी कसर ना रहने दें तो आपको बड़ी सफलता आसानी से मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके लिए काफ़ी मेहनतपूर्ण है और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत आपको रहना होगा। जो जिम्मेदारी आपको दिया जा रहा है उसको आपको बखूबी तरीके से निभाना है, उन्हें पूरे समर्पण से निभाना है। इससे आपके जीवन की एक रुके हुए काम बनने लगेंगे और कोई परेशानी चल रही है तो जल्द ही हल भी आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे विद्यार्थी के लिए जो समय होंगे, देखिए दिन काफ़ी अच्छा दिन है, परीक्षा में अच्छा फल मिलेगा और अपनी मेहनत में कोई कमी न होने दें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं जल्द ही पूर्ण होगी, बस आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और सब्र के बांध को टूटने नहीं देना है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके करियर क्षेत्र में जो है अटके हुए काम जल्द ही संपन्न होंगे, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। नौकरी के चलते स्थान परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप जैसे भी हैं वैसे ही रहें और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कार्य करने की जरूरत है। आपको बस सफलता बहुत ही करीब आ चुकी है और सफलता मिलने ही वाली है। किसी और से जो है भ्रम जाल में अभी आप ना फंसे। अगर कोई ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनके पीछे कोई राज होगा, जरा बच के रहिएगा और उस पर अमल करने के बाद ही उस पर चलिएगा तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो खुद ही परेशान होंगे और लोग भी इनका गलत फायदा भी उठा लेगा। देखिए आपका फोकस खराब होगा और इसका असर आपके काम और निजी जीवन पर भी पड़ सकता है। आपको अपने कौशल को पहचान करना है और उस पर जो है योग करना है, उसे बढ़ाएं और अपनी कमियों को जाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें, आपके लिए जो है बेटर रहेगा। वहीं दोस्तों कार्य क्षेत्र में अपनी तुलना किसी और से आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपका जो है मन अशांति रहेगा। इसके उपरांत अपनी योग्यता पर अधिक से अधिक ध्यान दें, अपने कौशल को निखारते रहें, आपको जो है बड़ी कामयाबी मिलेगी। वहीं दोस्तों परिवार में किसी रिश्तेदार के साथ कुछ अनबन हो सकता है, सितारे कहते हैं इस समय गलत फहमी की संभावनाएं बन रही है, एक दूसरे पर भरोसा रखिएगा और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना संयम बनाए रखें और प्रियजनों से पूरा सहयोग मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। माता रानी आपको स्वस्थ रखे, पूरे परिवार को खुश रखे। धन्यवाद।